नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर तो आपने सुनी ही होगी कि गौतम अदानी ने एक अलग ही गेम करते हुए मुंबई ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम यानी कि झुप्पड़पट्टी को रीडेवलप करने का सरकारी ठेका उठा लिया है, जिसके लिए उन्होंने नीलामी में बैठे हुए लोगों को खामोश करते हुए सबसे बड़ी बोली के भी दुगने दाम लगाकर यह ठेका अपने नाम कर लिया है। और जैसे ही यह खबर बाहर आई तो लोगों के भीतर यह बात उठने लगी कि आखिर अदानी और सरकार इस स्लम एरिया के पीछे इतना क्यों ध्यान देते हैं। अगर अभी तक आप नहीं समझे तो आपको बता दूं कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद बस्ती और झुप्पड़पट्टी को पूरा रीडेवलप करने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर धारावी का निर्माण कैसे हुआ जो आज एशिया की सबसे बड़ी झुप्पड़पट्टी यानी स्लम बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि धारावी आज या कुछ साल पहले नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से मौजूद है। साल 1850 में ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मुंबई शहर का काफी डेवलपमेंट हुआ था। उस समय के दौरान कई सारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी जिनमें टेनिंग लेदर फैक्ट्री यानी कि चमड़े का काम करने वाले कारखाने लगाए थे। पहली टेनरी साल 1887 में धारावी में शुरू की गई थी। इसके बाद साल 1895 में कॉर्नवालिस गवर्नमेंट ने उन्हें 99 सालों के लिए यह जगह लीज पर दे दी। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे बॉम्बे में नौकरी की तलाश करने वाले ज्यादातर लोग धारावी में रहने लगे, जबकि दूसरी ओर बॉम्बे शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा था। लेकिन इसके बावजूद भी धारावी में कोई भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब तक तो धारावी बॉम्बे और पूरे भारत की सबसे बड़ी झुप्पड़पट्टी बन चुकी थी, जबकि दूसरी ओर बॉम्बे एक शहर के रूप में बहुत ही डेवलप हो गया था। लेकिन साल 1950 से धारावी रीडेवलपमेंट स्कीम सामने आने लगी। हालांकि ज्यादातर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इश्यू की वजह से यह काम बंद रहा। उसके बाद साल 1960 के दशक में चुकी वासियों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया गया था। उस सोसाइटी में 300 से अधिक फ्लैट और 100 दुकान को बढ़ावा दिया गया। लेकिन खैर जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ लेकिन उससे यह स्लम खत्म नहीं हुआ। आज तक वहाँ ऐसा ही माहौल है। वहाँ पर इतनी झुग्गियाँ और बस्तियाँ है कि दूर से देखने पर आपको कहीं पर भी जमीन का टुकड़ा देखने को नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 2 लाख से भी ज्यादातर लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख से भी ज्यादा लोग केवल 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या इतनी है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि धारावी में एक छोटे मकान में 8 से 10 लोग रहते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। धारावी की एक तरफ माहिम रेलवे स्टेशन और दूसरी ओर सायन रेलवे स्टेशन है। साल 1896 में जब दुनिया भर में प्लेग महामारी ने दस्तक ली थी तो उसका असर धारावी में भी देखने को मिला था, जिसकी वजह वहाँ की ज्यादातर जनसंख्या को माना जाता है। प्लेग रोग को खत्म होने के 25 साल बाद भी धारावी के कई लोगों को कई तरह की बीमारियां होती थी। यही नहीं, साल 1986 में जब हेजा रोग फैला था तब उसका असर धारावी में भी देखने को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त मुंबई के ज्यादातर हॉस्पिटल में धारावी के लोग ही एडमिट थे। और साल 2020 में आई कोरोना महामारी ने दुनिया के हर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का धारावी इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया बना। कोरोना का सबसे पहला केस मुंबई के धारावी में ही देखा गया था। यह कारण है कि इस समस्या का निवारण करने के लिए 29 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए बीट्स लगाई गई थी। उसमें अदानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे अपने नाम कर लिया था। इस प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसमें 2 और ग्रुप भी शामिल थे। नमन ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाया और DLF लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, बल्कि अदानी ग्रुप ने DLF लिमिटेड से 2 गुना ज्यादा बोली लगाई थी, जिसके बाद इसका रीडेवलपमेंट का काम अदानी ग्रुप को सौंपा गया। लेकिन इससे पहले इसका पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।
अब सवाल यह आता है कि इस प्रोजेक्ट से अदानी को क्या और कितना फायदा होगा। तो आपको बता दें कि धारावी की पूरी बस्ती 620 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से अदानी ग्रुप को रीडेवलपमेंट के लिए जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है, जिसे केवल 7 सालों में पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट के पीछे अदानी ग्रुप करोड़ों रुपए खर्च करेगा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि साल 1882 में अंग्रेजों की बसाई हुई इस बस्ती को रीडेवलप करने के लिए मुंबई में लाखों वर्ग फुट की जमीन मिलेगी, जिसकी कीमत अरबों रुपए की है। यानी अदानी ग्रुप जो जमीन लेगा उससे अदानी को तगड़ा मुनाफा होगा। इसके साथ ही धारावी की बस्ती मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, जो सेंट्रल मुंबई में आती है। इसी तरह यह एरिया अदानी के अंडर में आ जाने से उसे अदानी ग्रुप को भारी मुनाफा होगा। अब इसके रीडेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान, सुविधाएं, सफाई जैसी सारी जरूरी चीजें उपलब्ध होगी। इससे आने वाले समय में इस जगह की पहचान सबसे गंदी बस्ती की जगह सबसे विकसित जगह की तौर पर की जाएगी। इससे जमीन और मकान की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों अदानी ग्रुप धारावी के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।